अरे अरे राजनंदी की सवारी आ रही है, सब मर्द लोग अपने अपने घर के अंदर चलो। अरे सब मर्द घर के अंदर जाओ, चलो सब मर्द लोग चलो अंदर। अरे क्या हुआ? राजनंदिनी मंदिर आ रही है। राजनंदिनी रामा चल। क्यों माँ, हम क्यों जाएं? मैं बताऊंगी, चल। अरे चल। आओ अंदर चले। शिवा ये स्टूल अंदर ले चलो। दिनेश दिनेश वहां नारियल क्यों तोड़ रहे हो? आते जाते लोगों को लग जाएगा, अंदर आके तोड़ो। ए लगेगा तो लगेगा, हम लोग भाई राजा के आदमी है। माँ शब्द नहीं निकला। आज तक तूने किसी पर उंगली नहीं उठाई, अचानक तू जंगली कैसे बन गया? कहां से सीखा ये सब तूने? कहां से सीखा? अरे जब तुझे मार लगी तू क्या बोली? मां बोली कि नहीं? वो मार किसको लगी? मेरी मां को। तो मुझे कैसा लगा होगा? तू बीच में नहीं आती तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। देख
अपने हाथ से छू के देख, ये याद करके मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया। मेरे बदन में आग लग रही है। बदन में आग लग रही है? एक बार जो किसी ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तो वो आदमी उस आदमी की हड्डी पसली चूर चूर कर देता है, और किसी ने मुस्कुरा दिया उसका आधा सिर आधी मुझ बुनवा देता है। और तू तू उनसे उलझने गया था? अब भाई राजा तेरा क्या करेगा, ये सोच सोच कर मैं तो कांप जाती हूँ। वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। हे रामा, भाई राजा ने तुझे जल्दी बुलाया, चल। ए भैया, इसे कुछ मत करना, ये ना समझ है। आज तक इस गांव में मेरे आदमी दूसरों पर हाथ उठाते आए हैं, लेकिन मेरे आदमियों पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। तुम पहले आदमी हो, जवाब दो। क्या जवाब दूं भाई राजा? अगर वो नारियल आपकी बहन को लग जाता तो आप क्या करते? तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। है ना, जब आप अपनी बहन के लिए इतना करने को तैयार है तो जब मेरी माँ को चोट लगी होगी तो मुझे कैसा लगा होगा? इसीलिए मैंने उसे मारा। ऐसे क्या देख रहे हैं भाई राजा, आप मुझे मारेंगे? अच्छा मार लीजिए, आप बड़े लोग हैं, अगर आप सोचते हैं कि यही इंसाफ है तो मारिए। जितना मारना हो हमारी पीठ पर मारिएगा, चेहरे पर नहीं। अगर मेरी माँ मेरी चोट के निशान देखेगी ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, वो बेचारी रो रो के जान दे देगी, कमजोर दिल की है ना। मैंने तुझे मारने के लिए नहीं बुलवाया। क्या आप सचमुच मुझे नहीं मारेंगे? नहीं। हे बजरंगबली, तूने बचा लिया। नंदिनी की रखवाली करने के लिए मैं इन लोगों को दिन में तीन तीन बार भैंसों की तरह खिला रहा हूं, लेकिन तूने अकेले इन मुष्टंडों को तीन मिनट में मिट्टी चटा दी। शाबाश, आज से तू ही राजनंदिनी का बॉडीगार्ड है। नंदिनी का कमरा साफ करना, उसे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े लाकर देना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो जहां भी जाएगी तुम उसके साथ उसका साया बनकर चलोगे, और अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम उसकी टांगे तोड़ दोगे। यह सब कर सकोगे? क्यों नहीं साहब, जरूर करूंगा। ठीक है, कल से नौकरी पर आ जाना। हवेली में नौकरी मिल गई, घर जाऊंगा और माँ को बताऊंगा। रूम 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 रूम। ये क्या किया भैया, उस पागल को नंदिनी का बॉडीगार्ड बना दिया। पागल है इसलिए उसे बॉडीगार्ड बनाया है, ताकत उसमें 10 बैलों की है, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसा दिमाग। ए, कल से तुम लोग खेतों में काम करोगे, जाओ। सावित्री बहन, जब मंदिर के सामने ही अन्याय हो तो भगवान से भी देखा नहीं जा सकता, इसीलिए भगवान ने उन दुष्टों की रामा के हाथों पिटाई करवाई और हवेली में नौकरी भी लगवा दी। भाई राजा, भाई राजा। क्या बात है? हवेली में नौकरी मिली ना, मंदिर गया, ये भगवान का प्रसाद, टीका लगा जो। अपना काम करो, चलो। मछले राजा, आप तो लगा लीजिए। चल हट। छोटे राजा, ठीक है। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, चल। कैसे लोग हैं बाबा, भगवान का प्रसाद लाया तो बोलते चल हट। ठीक है, आप लोगों को पसंद नहीं तो छोड़ो, मैं छोटी मालकिन को लगा देता हूँ। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन।
तुमने हमारी बहन को छुआ, उसके माथे पर हाथ रखा। सुरेंद्र, छोड़ दो उसे। देख रामा, जब मैंने तुझे नौकरी पर रखा था तो साफ साफ समझा दिया था कि अगर हमारी बहन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो तू उसकी टांगे तोड़ देगा, और ये हुक्म तुझ पर भी लागू होता है, समझा? दोबारा ऐसी हरकत हुई तो हाथ पैर तोड़वा दूंगा। ये तेरी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रहा हूं। जा। बबलू, ये क्या कर रहे हो? बिजली, एक विचित्र खुजली है बिजली। रात को पी थी ना, नली चढ़ी नहीं, इसलिए उल्टा होकर चढ़ा रहा हूँ। और तू ये क्या कर रहा है रे? रात को ज्यादा पीने से चढ़ गई थी, उसे उतार रहा हूँ। अरे निखट्टू, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। बेचारी उस रघु को देखो, कितनी मेहनत करता है। खाक मेहनत करता है। हा? अरे चूल्हा जलता है तो खाना पकता है। जो काम मैं आग बंद करके कर सकता हूँ, वो क्या आग खोल के कर सकता है? नहीं। अबे क्या बोला रे तू, क्या बोला? जो काम मैं आग बंद करके कर सकता हूँ, तुम आग खोल कर ही नहीं सकते। अच्छा तो बता वो क्या काम है? ये क्या है? मिर्ची का पाउडर है। क्या बात है बबलू, वाह! और यही तुम आंखें खोल के कर सकते हो? कर सकता हूँ, जरा खड़े हो जाइए। तो करके दिखाओ गुरु। अभी करके दिखाता हूँ। गुरु, तुमने हाथ ना उठाने की कसम खाई थी? हाँ खाई थी ना, लेकिन मैं हाथ कहाँ उठा रहा हूँ? मैं तो क्या हुआ? बाप रे, क्या कमरा है, क्या कमरा है! पाताल भैरवी सिनेमा में राजकुमारी का कमरा ऐसा ही था। क्या कर रहे हो तुम? चादर ऐसे बिछाते हैं? पकड़ो, खोलो। ऐसे नहीं बाबा, ऐसे। हो गया। छोटी मालकिन, ये सब क्या है? इसे चेहरे पर लगाते हैं। ओहो, आप इसे लगाती हैं तभी इतनी सुंदर लगती है। मैं भी लगा लूं? लगा लो। रस्सी टूट गई, ये मोटी धड़ाम से गिर पड़ी। बड़ा मजा आया। अच्छा, आज क्या खेलेंगे? नंदिनी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, उस दिन तुम लोग खेतों में दौड़ने, नहर में नहाने, बाग में नाचने गाने के लिए बोल रही थी ना, उस दिन से मुझे भी लग रहा है कि मैं भी ऐसा ही करूं, लेकिन कैसे कर सकती हूँ? कौन मुझे ले जाएगा बाहर? तुम लोग मुझे ले जाओगी? हम लोग?
ना बाबा ना, अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो जिंदा गड़वा देंगे। ये क्या? कमरे में पूछा था ना वो लगा लूं। हाँ। मैंने इधर लगाया तो इधर रह गया, तो इधर भी लगाया, थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर इधर लगाया और लगाते लगाते ऐसा हो गया। अच्छा नहीं क्या? बहुत सुंदर है। किसी की नजर न लगे इसलिए मैंने काला टिक्का भी लगाया। हाँ बहुत अच्छा किया रामा, बहुत अच्छा। अब इससे पहले कि बड़े भाई आ जाए तुम जल्दी से जाकर को दिखा क्या हो? अच्छा नंदिनी, अभी तुम कह रही थी ना कि तुम्हें बाहर कौन ले जाएगा, ये तुम्हारे काम का है, इसे पटाओ। कौन, रामा? हाँ, माना कि वो भोला भाला है लेकिन आसपास के इलाके को वो बहुत अच्छी तरह जानता है। रघु आया छुट्टी मालकिन। बताइए क्या लो आपके लिए, चाय कॉफी दूध बुरुन मीठा या लस्सी मीठा? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आ? मुझे मदद चाहिए। मदद? वो तो मुझे पकाना नहीं आता। क्या तुम जरा सा एहसान नहीं कर सकते हो? एहसान? यू मीन हेल्पिंग? हाँ। तो पहले क्यों नहीं कहा? बोलिए क्या करूँ आपके लिए? पहले कसम खाओ। हाँ एक... खा लिया। अब बताइए क्या करना है? भाभी अगर मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैंने नाश्ता और खाना दोनों ले लिया है। क्यों? आज मैं कमरे से बाहर नहीं निकलने वाली हूँ। अरे बाप रे, दाल में कुछ काला और चावल में कुछ पीला लग रहा है। देखिए छोटी मालकिन, ये मेरे बस की बात नहीं है। आई मीन नॉट इन माई हैंड। अच्छा तो ठीक है, मैं बड़े भैया से तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। मेरे बारे में? क्या बता देंगी? यही कि तुमने हाथ छूकर कसम खाई। मर गया, अगर ये बात आपके भाइयों को मालूम हो जाए दूसरों की तो आधी खोपड़ी मुंडी जाती है, मेरे तो हाथ कटवा देंगे। छोटे मालकिन मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। हाँ नहीं, अगर मैं आपके पाँव पकड़ू तो मेरे पाँव काट देंगे। इधर कुआ उधर खाई, बीच में तीन भाई। तो तुम मदद नहीं करोगे? क्यों नहीं, जरूर करूंगा। अरे मैं क्या, मेरा बाप करेगा, नहीं तो मेरा हाथ और टांग बैंग बैंग और मैं मंदिर के बाहर। तिरडी वाले तागी बाबा।